जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप ही सारी बहनों के प्रश्नों का जवाब जो है वो देने वाली हूं। संतान सप्तमी के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारी बहनें जो पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं या जो व्रत है उसमें भोजन किया जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पर वीडियो जो है वो बना दिया जाए ताकि बहुत सारी बहनों को आसानी हो सके पूजा में और बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल सके। कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली 22 सितंबर को जो संतान सप्तमी का व्रत है वो किया जाएगा। बहुत सारी बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए संतान सप्तमी का व्रत जो है वो करती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, उनके पास संतान रूपी कोई भी धन जो है वो नहीं है, ऐसी बहनें भी संतान सप्तमी का व्रत अपने संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए ज़रूर रखती हैं। और वाकई में ये बिल्कुल सत्य है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है और हुई है, मैंने कई दफ़ा ऐसे देखा है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी संतान नहीं है, काफ़ी समय से आप प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो चुके हैं, तो आप यकीनन संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। आपके आने वाले जीवन में जो संतान सुख है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास पुत्री है और आप पुत्र के रूप में जो संतान है वो चाहते हैं, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। आप संतान की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस व्रत को करने से मिलती हैं। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं, महादेव उनकी जो कामना है वो पूर्ण कर देते हैं और उनके संतान की आयु लंबी करते हैं और उनके जीवन में उन्नति के नए मार्ग जो हैं वो खोल देते हैं। इसलिए आपको संतान सप्तमी व्रत जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। अब मैं प्रश्नों का जवाब जो है वो दे देती हूँ, कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि शुगर वाले जो भी मरीज़ हैं वो व्रत कैसे रखें। तो देखिए, शुगर वाले जो भी मरीज़ हैं, जो भी माताएं बहनें जिनको शुगर है, ऐसी माताएं बहनें सुबह स्नान करके जल्दी पूजा कर लें। जो भी आप दवा वगैरह ले रही हैं वो बिल्कुल लेती रहें। साथ ही साथ इन जो ये व्रत है इसमें पुआ जो है वो खाए जाते हैं, आप इनकी जगह पर पूड़ी खा सकती हैं। थोड़ी सी चीनी डाल लें नाम मात्र की 4 दाने और बस वो पूड़ी जो है वो बना के आप इस व्रत में जो है वो सेवन कर सकती हैं। बाकी इस व्रत में ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना पड़े, क्योंकि जो 7 पुए बनाए जाते हैं वो खाए जाते हैं। आप वो पुए की जगह पे पूड़ी बना सकती हैं, थोड़ी सी चीनी डाल के एक जो नाम है वो कर सकती हैं कि पुए बनाए हैं, उस प्रकार से इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि निराजली है तो कैसे करेंगी, तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। आप अपनी तरीके से इस व्रत को कर सकती हैं। आप जो पुए भी पुए हैं वो खा के आप इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। दूसरा जो प्रश्न वो ये है कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी, इस साल मलमास पड़ा था तो क्या नया व्रत उठा सकते हैं। तो बिल्कुल उठा सकते हैं। मलमास का जो महीना होता है, जिस महीने में पड़ता है, उस महीने में नया व्रत नहीं उठाया जाता है, बाकी आगे और पीछे उठा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। आधी अधूरी जानकारी होती है, बहुत बार आप कई सारे लोगों से सुन लेते हैं फिर लगता है नहीं पूरे साल नहीं उठाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे साल व्रत उठा सकते हैं, जिस महीने में मलमास लगता है बस उस महीने के जो भी व्रत होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, उस महीने में कोई नया व्रत धारण नहीं किया जाता है, ना किसी व्रत का उद्यापन किया जाता है, ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। साथ ही साथ एक और प्रश्न आ रहा था कि दीदी, संतान सप्तमी व्रत जो है वो पिछली साल हमारा छूट गया था, तो क्या इस साल हम व्रत कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, जो भी माताएँ बहनें जो भी व्रत करती हैं, जो भी व्रत करती हैं, मान लीजिए संतान सप्तमी का, महालक्ष्मी का, ज्योतिया व्रत, या जो अहोई अष्टमी है, या बच्चों के लिए, पति के लिए जो भी व्रत करती हैं, ध्यान रखें कि व्रत कब आते हैं उनको छोड़े नहीं, क्योंकि व्रत का संकल्प ले लिया जाता है फिर व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। गलती से अगर छूट गया या किसी कारण बस छूट गया है तो आप इस साल नया व्रत उठा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ ही साथ व्रत में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बहन का प्रश्न आ रहा था। तो देखिए, जो पूड़ी जो पुए प्रसाद में बनाए जाते हैं, पूड़ी नहीं, मैं गलती से बोल गई हूँ, पुए जो प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं, 7 पुए माता पार्वती के लिए और 7 पुए स्वयं के लिए, साथ ही साथ जो भोग
में केला फल के रूप में चढ़ाए जाते हैं, या हमारे यहाँ देखो केला चढ़ता है, तो मैं उसी प्रकार से आपको बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ मौसमी फल कोई दूसरे चढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हमारे यहाँ 2 केले और 7 जो पुआ है वो माता पार्वती को चढ़ाए जाते हैं, और सेम अपने लिए भी चढ़ाए जाते हैं, 7 पुए और 2 केला। जो माता पार्वती के होते हैं वो दान कर दिए जाते हैं, जो अपने होते हैं वो स्वयं खा लिए जाते हैं, अगर बच जाते हैं तो पति को या गाय को खिला दिए जाते हैं। ये प्रसाद बच्चों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है। इसलिए साथ ही साथ इस व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध और पूत हमारे यहाँ बराबर माने गए, इसलिए इस व्रत में दूध ना पिए। दूध का केवल निषेध है, बाकी दही आप खा सकते हैं, दूध इस दिन जो है वो बिल्कुल भी ना खावें। साथ ही साथ एक और प्रश्न आ रहा था कि जो चूड़ी है उसको कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, कितने दिन के लिए पहननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कितने दिन के लिए पहननी चाहिए, तो चूड़ी को आप हमेशा अपनी कलाई में पहन के रखें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मेरे हाथ में, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो बनाए हैं, मेरे हाथ में जो संतान सप्तमी की चूड़ी है वो हमेशा आप देखेंगे, मैं कभी नहीं उतारती हूँ। कुछ भी हो जाए, कहीं भी फंक्शन में जाना, कुछ भी हो जाए, वो संतान सप्तमी की चूड़ी है वो मेरे हाथ में हमेशा आपको मिल जाएगी, वो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। कब पहननी चाहिए, तो पूजा हो जाने के बाद में जो चूड़ी है उसको गंगा जल से और कच्चे दूध से, गाय के दूध से उसको पवित्र किया जाता है, धोया जाता है, फिर अग्नि में जो हमारे यहाँ तपावन बोला जाता है, मतलब हवन जो करते हैं, उसके धुएं में 7 बार जो चूड़ी है वो उसारी जाती है, फिर धारण कर ली जाती है जो चूड़ी है, फिर उसको नहीं उतारा जाता है। आप जो भी माताएं बहनें हैं वो उतारना चाहती हैं, तो जैसे सोमवार को आपने ये चूड़ी जो है वो पहन ली है, सोमवार तक कम से कम 7 दिन पहन लें, उसके बाद चूड़ी को अच्छे से बांध के जहाँ भी आप रख रही हैं वहाँ रख दें, अगले साल जब व्रत आए तो फिर उसको पहन सकती हैं। इस प्रकार से भी कर सकती हैं, आप चाहें तो इसको बराबर पहन सकती हैं। तो ये जो चूड़ी है वो कुछ इस प्रकार से पहनी जाती है। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, महादेव की कृपा आपके संतान के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूं। दोस्तों, जय माता दी।